नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जानेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर रेलवे का एग्ज़ाम कैलेंडर, यानी एग्ज़ाम कैलेंडर तो बहुत पहले ही आ गया था, जिसमें बताया गया था कि आपका रेलवे का जो भर्ती है पूरे साल चलेगी, यानी कि जनवरी में आपका LP, मार्च में आपका, अप्रैल में आपका जो है टेक्नीशियन, जुलाई में आपका जो है NTPC और अक्टूबर में आपका ग्रुप डी का भर्ती आएगा। उसी से संबंधित NTPC का भर्ती आने जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। ठीक, NTPC में जो होया है आपका लेवल 5 लेवल में भर्ती आता है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। इन सभी के बारे में हम लोग केवल NTPC के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे कि 5 लेवल के लिए किसके लिए क्या योग्यता होता है, तथा उसमें टोटल कितने पोस्टों पर भर्ती आ रहा है, ऑनलाइन कब से होगा, एग्जाम किस टाइप में होता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे, इसलिए इसको अंत तक जरूर देख सकते हैं। ये रेलवे NTPC की बुक है, ये वॉल्यूम 1 है हिंदी मीडियम में, ये वॉल्यूम 1 है इंग्लिश मीडियम में। इसमें कुल आपको 1260 सेट्स मिलते हैं, जो भी टोटल 129 सेट्स हुए थे, तो इसमें आपको 160 सेट मिलते हैं, जो भी एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व पेपर है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन प्लस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे। प्लस आपको अगर वॉल्यूम 2 चाहिए तो इसका वॉल्यूम 2 आता है, सिमिलरली इंग्लिश मीडियम में भी आता है। और इधर आपका ये CBT 2 का एग्जाम का है, ये स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 का, तो दोनों मिलाकर आपको ये 3 बुक आपको NTPC के लिए चाहिए होगी, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो लास्ट अभी 2021-22 में हुआ था, उन सभी के सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है उसके अनुसार ये जो 5 पोस्टों पर भर्ती आने जा रहा है, तो हो सकता है कि NTPC में आपको टोटल कितने पोस्टों पर भर्ती आने जा रहा है, लगभग आपका 12,000 से 15,000 के बीच में NTPC का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी इसके लिए कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत आपको नहीं होती है। मतलब जनरल अगर पढ़ाई किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी बिना ITI वाले, तथा बिना डिप्लोमा, बिना BTEC ये सब कोर्स, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं किए तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको 12,000 से 15,000 के बीच में भर्ती आने जा रहा है, और नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि ये जो आपकी भर्ती है ये आपका जून में, कब? जून में CN नंबर के द्वारा, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। अब देखना है कि इसका ऑनलाइन कब से होगा। इसके लिए योग्यता के बारे में बात करें तो थोड़ा सा भी योग्यता पर आ जाइए मेरे भाई, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा नोटिफिकेशन के अनुसार, वो आपको RRB अहमदाबाद को दिया गया है, यानी कि इसका नोडल RRB जो है आपका RRB अहमदाबाद है। जैसे ग्रुप D मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड, उसके बाद हर चीज़ को अलग अलग दे दिया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम कौन RRB कंडक्ट कराएगा। तो आपका NTPC का एग्ज़ाम जो है नोडल RRB, उसका RRB अहमदाबाद है। इसके लिए योग्यता देखिए, लेवल 2 और लेवल 3 जो आपका है, इसके लिए योग्यता आपका केवल 12 पास होना चाहिए। क्या अगर आप 12 पास हैं कोई भी सब्जेक्ट से, यानी आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, किसी भी तरह से 12 पास है, ठीक, तो आप लेवल 2 और लेवल 3 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, लेवल 4 से लेकर लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ये जो लेवल है इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन की डिग्री हर हाल में, यानी पास होना चाहिए, यानी BA BCOM माने ग्रेजुएट होना चाहिए, तब आप लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लेवल 2 और लेवल 3 के लिए आपको only 12 पास होना चाहिए। देखिए, इस बार रेलवे में आपको सुनहरा मौका है, क्योंकि पूरे साल रेलवे का भर्ती चक्र बाई चक्र चलते रहेगा, यानी कि 2 से 3 साल आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो एक ना एक एग्ज़ाम में आपका सेट होना कन्फर्म है। उसके लिए देखिए, योग्यता तो बता ही चुके आपके यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अब इसका एग्ज़ाम आपका 2 होता है, एक होता है CBT 1 और एक होता है CBT 2। ठीक, आपका लेवल 2 में जो है टाइपिंग होता है, लेवल 3 में टाइपिंग नहीं होता है। ठीक, आप 2 एग्ज़ाम से ही और आपका CBT 2 से ही मेरिट बनता है। लेवल 4 और लेवल 5 में आपको साइको होता है, लेवल 6 में
नहीं होता है। ये था इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन था कि इसके ये भर्ती कितने आने जा रहा है, कब आने जा रहा है, इसके लिए योग्यता किस पोस्ट के लिए क्या होता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत